एक्चुअली मैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अब शुरू कर देते हैं, बच्चे आते रहेंगे, ज्वाइन करते रहेंगे। आज हम लोग आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे जो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, जिस पे बेस्ड आपका होगा एग्जाम। yes, तो इसमें आपका जो सेमेस्टर है, इसमें कुछ इस तरह से बनाया गया है। थर्ड सेमेस्टर में ये आपका पेपर फोर्थ है, पेपर फोर्थ होगा। तीन पेपर आपके फर्स्ट ईयर में हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपके जो है वो इस साल आपके तीन पेपर होंगे, इस साल तीन पेपर होंगे, जिसमें से आपका जो फर्स्ट पेपर है वो कंटेन करेगा, आप देख रहे हैं थर्ड पेपर में, फोर्थ पेपर में, थर्ड सेमेस्टर में, एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड एम्ब्रायोलॉजी, ये आपको सारी चीजें देखनी है। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा था। तो इसमें आप देख रहे हैं एंजियस, अभी तक आपने जो पढ़ा था फर्स्ट फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में, तो उसमें आपने फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म पढ़ा था। अब जिम्नोस्पर्म के बाद जो एडवांस फैमिलीज हैं, जो एडवांस प्लांट किंगडम है, वो है, वो कंटेन करता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वो होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को कहा जाता है एंजियोस्पर्म। तो आप इसकी टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉटनी। इसमें आप सारा का सारा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी है, ये मॉर्फोलॉजी लिखा हुआ है, इसके साथ साथ एनाटॉमी भी पढ़ेंगे। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस आपको मालूम है, एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नली आप देखेंगे प्लांट को कैसा दिखाई देता है, ग्रास है, ट्री है या श्रब है, या उनकी पत्तियां कैसी हैं, किस तरह के हैबिटेट में वो ग्रो करता है, उनकी रूट का स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटर्नली भी आप देखोगे और इंटरनली भी। इंटरनली में आप देखोगे टिश्यू सिस्टम, तो ये भी आपको इसमें पढ़ना है। फिर एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी जो होता है ये स्ट्रिक्टली आप रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं हम, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है फ्यूजन के बाद, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू होता है, जायगॉट बनता है पहले, जायगॉट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। तो इसमें हम लोग सारा एंजियोस्पर्म में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें आपने थोड़ी थोड़ी चीजें जरूर पढ़ी होंगी नाइन्थ में भी, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ में, पर यहाँ पे आपको बहुत डिटेल पढ़ना है। 100 मार्क्स का ये पेपर है आपका। टैक्सोनॉमी है सबसे पहले लेंगे हम। टैक्सोनॉमी में आप देख रहे हैं सिस्टमैटिक बॉटनी है, तो टैक्सोनॉमी में आप क्या क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशंस लाइक Linnaeus, Bentham and Hooker, Igner and Prentl, Hutchinson, Conquest. तो इतने सारे 5 क्लासिफिकेशन है, पर हम लोग ज्यादा जो एम्फोसिस देते हैं वो Linnaeus को देते हैं, क्योंकि Linnaeus को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। Linnaeus का जो क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इसलिए कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल नहीं है, ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ उन्होंने क्या किया है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट, किसी फैमिली में उसने मेल पार्ट को ले लिया है और किसी फैमिली में उसने फीमेल पार्ट को बेस बना लिया है, और उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर सबसे पहला क्लासिफिकेशन Linnaeus ने दिया था, तो वो पढ़ेंगे। फिर Bentham एंड Hooker का क्लासिफिकेशन है। Bentham एंड Hooker रॉयल बॉटनी गार्डन क्यू में क्यूरेटर थे, और वहां पे रह करके उन्होंने वहां के जो फ्लावर थे उन पे स्टडी किया। इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया है। इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड है ज्यादातर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे है, थोड़ा बहुत मेल पे है, पर बेसिकली गायनेशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और या ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेसेंटेशन कैसा होता है, सीड किस तरह से लगे होते हैं ओवरी में, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनका क्लासिफिकेशन कहलाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन।
नेचुरल क्लासिफिकेशन है इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जब नेचर में जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो किसी भी फ्लावर को उठा करके अगर आप उसको स्टडी करना चाहें तो ये क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा सेटेबल है, सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ये तुरंत आपको, आप अगर इसको स्टडी करेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये फ्लावर जो है किस फैमिली को बिलोंग करता है, किस जीनस को, किस स्पीशीज को। तो अभी भी बेंथमन होकर के क्लासिफिकेशन को मेनली माना जाता है, बहुत ज्यादा इसको माना जाता है, और आप प्रैक्टिकल में भी इसी क्लासिफिकेशन को प्रयोग में लाएंगे, यूज करेंगे। इग्नर एंड पेंटल, हचिंगसन, ये सारे क्लासिफिकेशन है, ये ज्यादातर किस पे बेस्ड है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है, एक तो कुछ तो इसमें है जो जेनेटिक्स पे बेस्ड है। जेनेटिक्स के, अब जेनेटिक्स की स्टडी आप गार्डन में नहीं कर सकते हो, जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए आपको फ्लावर या प्लांट लेकर के लैब में आना पड़ेगा, फिर लैब में आप स्टडी करोगे, स्टडी करके तब आप अपने रिजल्ट तक पहुंचोगे कि ये जो फ्लावर है या प्लांट है किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्लासिफिकेशन है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकली हम इसको यूज भी नहीं कर सकते हैं। हचिंगसन ने भी फाइलोजेनेटिक दिया था, पंक्रस्ट ने भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। इसका थोड़ा थोड़ा रेफरेंस आपको बताएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाएगा, पर हम लोग प्रैक्टिकल में इस क्लासिफिकेशन का प्रयोग नहीं करते। हचिंगसन को तो थोड़ा बहुत प्रयोग में लाते भी हैं, पर इग्नर को और कॉन्कस को तो नहीं यूज करते। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इवोल्यूशन प्लांट का कैसे हुआ है, प्लांट किंगडम कैसे इवॉल्व हुआ है, फिर वो फैमिली कैसे इवॉल्व हुई। तो ये सारी चीजें आप क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, जो हम आपको कल से पढ़ाना शुरू करेंगे। फिर आप देख रहे हैं हार्बेरियम, हार्बेरियम के बारे में जानेंगे, हार्बेरियम क्यों बनाया जाता है, इसकी यूटिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ हार्बेरियम है और इनका यूज क्या है, किस तरह से करते हैं, क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं हार्बेरियम में। तो हार्बेरियम क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हम फॉरेस्ट में पाते हैं या किसी अलग वेजिटेशन में पाते हैं, वो हम लखनऊ में नहीं ला पाते हैं। अब लखनऊ में अगर हमें उसको स्टडी करना है तो हमें उसको, उसका हार्बेरियम प्रिपेयर करना होगा। लखनऊ में बहुत बड़े बड़े हार्बेरियम है, पहला तो NBRI में है, उसमें जाकर के लोग स्टडी करते हैं। फिर दूसरा हार्बेरियम है वो बीरबल सहनी इंस्टीट्यूट में है, तीसरा हार्बेरियम है वो CMAP में है, चौथा CDRI में है। ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट बॉटनी से रिलेटेड है वहाँ सब जगह हार्बेरियम है, पर सबसे बड़ा जो हार्बेरियम है वो NBRI में है। वहाँ पे डॉक्टर सैनी है, वो उसके इंचार्ज है, वो उसे देखते हैं। तो कभी चलेंगे तो हार्बेरियम भी आपको दिखाया जाएगा, आप खुद भी हार्बेरियम बनाओगे इस साल, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में हार्बेरियम है। तो आपको प्लांट कलेक्ट करना होगा, फिर उसको पीस करना होगा ड्राई करके शीट में, और उसका क्लासिफिकेशन, उसके सारे के सारे डिस्क्रिप्शन आपको देने होंगे। फिर देखिए नेम्स एंड नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉटनिक गार्डन, सारे जो आपके नेशनल इंटरनेशनल बॉटनिक गार्डन है उनके बारे में आपको रेफरेंस दिया जाएगा, और हार्बेरियम कैसे बनाया जाता है, कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे आप खुद अपना हार्बेरियम प्रिपेयर करोगे, और इनके लिए कौन कौन से टूल्स इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आप देख रहे हैं नेक्स्ट हॉट स्पॉट, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले ये नहीं था। इसमें ज्यादातर देखते हैं कि कुछ प्लांट हमारे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वेदर अलग हो रहा है, अलग तरीके का हो रहा है, तो उसकी वजह से जो पुराने प्लांट्स थे, जो पुराने जमाने में बहुत अच्छे से ग्रो करते थे, धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, नई स्पेशीज उनकी नहीं आ रही है। तो अब इनको हमें कंजर्व करना है, कंजर्व इसलिए किया जाता है, देखिए कंजर्व दो तरह से होता है, एक्सिटू होता है, इनसिटू होता है, या तो लैब में करते हैं या गार्डन आप उस तरह का उनको प्रोवाइड करते हैं तो आपको नेचुरल हैबिटेट में वो प्लांट मिलते हैं। तो इसके लिए हॉट स्पॉट्स वो है जहाँ जो हमारी वेजिटेशन खत्म हो रही है और उसे हमें कंजर्व करना है। तो ये कंजर्वेशन कैसे होगा उनको, ये सारी चीजें इसमें स्टडी करेंगे। फिर सेकेंड यूनिट में आप पढ़ोगे, पहले तो फर्स्ट यूनिट कल शुरू करेंगे, सेकेंड यूनिट में आप पढ़ोगे सिस्टमैटिक्स में आप देखोगे टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज एंड देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आप देख रहे हैं सिस्टमैटिक्स और जो टैक्सोनॉमी क्या है, ये सिस्टमैटिक वैसे भी साइंस क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ
जो भी हम प्लांट की स्टडी कर रहे हैं या एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं उसको हम सिस्टमिक करते हैं, सिस्टमैटिक करते हैं, तो कहते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन अगर आप एंजियोस्पर्म का देखें तो बेसिकली एंजियोस्पर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायकॉट और मोनोकॉट। डायकॉट में जो प्लांट आते हैं आपको मालूम है जब हम किसी सीड को बोते हैं और वो दो कॉटिलेडन्स में निकलता है या उसकी दो पत्तियां निकलती हैं तो उसको कहते हैं डायकॉट। ऐसे प्लांट्स में आपने देखा होगा जितने लेग्यूम्स हैं, जितनी दालें हैं, दाल जब आप भिगोते हो जैसे सोयाबीन है, मटर है या किसी भी तरह की कोई दाल आप भिगोते हो तो भिगोने के बाद जब वो उसका ऊपर की कवरिंग हटती है, सीड कोट हटता है तो उसमें से दो आपको कॉटिलेडन्स दिखाई देते हैं। तो उन्हें दो जो पॉट होते हैं उनको लीफ भी कहते हैं, बाद में लीफ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को कहा जाता है डायकॉट। और दूसरे तरह के तरीके के होते हैं मोनोकॉट। मोनोकॉट में ज्यादातर सीरियल्स आते हैं, अनाज आते हैं जैसे गेहूं, चावल और भी तरह के ओट है, बाजरा है, ज्वार है, ये सारी चीजें मोनोकॉट में आते हैं। अगर आप गेहूं को भिगोते हो तो फूलने के बाद या भीगने के बाद उसमें रूट निकलनी शुरू होती है, रेडिकल निकलता है, प्रिम्यूल निकलता है, ऊपर की तरफ जो पत्तियां आती हैं उन्हें प्रिम्यूल कहते हैं, जो नीचे जाता है उन्हें रेडिकल कहते हैं क्योंकि रेडिकल जो होता है वो रूट बनाता है। तो मोनोकॉट में आप जो फैमिली पढ़ोगे एरिएसी, साइप्रेसी, लिलिएसी एंड पोएसी, जो ये पोएसी फैमिली है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फैमिली है, इसी में गेहूं होता है, इसी में चावल। लिलिएसी ऑर्नामेंटल है, लिली होती है। साइप्रेसी में साइप्रस प्लांट होते हैं जिसे पाम भी कहते हैं, पाम वाले प्लांट्स आते हैं। एरिकेसी में आप देखेंगे सुपाड़ी वगैरह, सुपाड़ी ग्रो करती है। तो इन सारे प्लांट्स को आप मोनोकॉट में पढ़ोगे। जब आप पाम की बात करते हो, पाम प्लांट आप ऑर्नामेंटल लगाते हो, साइप्रस लगाते हो, या आप देखोगे खजूर का पेड़ है, या आप देखोगे सुपाड़ी का पेड़ है, इन सारे पेड़ों को मोनोकॉट में रखा जाता है। और ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट्स जो होते हैं साइकस, पाइनस वगैरह, उनसे रिजेंबल करते हैं। तो ये सारी स्टडी हम लोग मोनोकॉट में पढ़ेंगे। डायकॉट में आप देख रहे हैं इतनी सारी फैमिली आपको पढ़ेंगे, एकेंथेसी, एमेरेंथेसी, एपीएसी, एपोसाइनेसी, एस्टरेसी, बम्बोकेसी, ब्रेसिकेसी, इतनी सारी देख रहे हैं ये फैमिली, सारी की सारी आपको पढ़नी। अब इन फैमिलीज को पढ़ने के लिए आपको इनका पहले टैक्सोनॉमी पढ़नी है। टैक्सोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो आप दो बेसिकली दो क्लासिफिकेशन यूज करेंगे, एक है बेंथम एंड हुकर का और दूसरा है हचिंगसन का। ये दोनों क्लासिफिकेशन यूज किए जाएंगे पर प्रैक्टिकल में सिर्फ बेंथम एंड हुकर का यूज करेंगे। ये सारे आपकी स्लाइड्स भी बनेंगे प्रैक्टिकल में, ये सारी की सारी आपको स्लाइड बनवाई जाएंगी। प्रैक्टिकल में आपको इनके डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम बनाने सारे फैमिलीज की, तो काफी सारा प्रैक्टिकल में काम है। और ये वाली यूनिट काफी लेंथी है, इस यूनिट को आप इसमें एकेंथेसी, एमेरेंथेसी, इनके सारे मेंबर्स आप पढ़ेंगे, सब में डिफरेंस जानेंगे कि एक फैमिली से दूसरी फैमिली में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात है इस फैमिली को पढ़ने के लिए या हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, तो हमें जानना है कि फ्लोरल डायग्राम क्या होता है, फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मैथ्स में या फिजिक्स में फॉर्मूले होते हैं उस तरह से फ्लावर का फॉर्मूला बनाया जाता है। एक छोटा सा फॉर्मूला दो लाइन में लिख दिया जाता है, एक लाइन में लिख दिया जाता है और उस फॉर्मूले से आप पूरा का पूरा फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कैलिक्स को के से डिनोट करते हैं, करोला को सी से डिनोट करते हैं, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, इन सारी चीजों को डिनोट करते हैं, फिर गाइनेशियम सुपीरियर है कि इंफीरियर है, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। फिर इसके बाद आप डेवलपमेंट देखेंगे। डेवलपमेंट किसका देखेंगे? टिश्यू सिस्टम का। टिश्यू सिस्टम आपने पहले भी पढ़े होंगे। यहाँ पे आप रूट, इसमें बेसिकली जो टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट कैसे बनता है और रूट कैसे बनता है। शूट अपसाइड आता है, रूट ग्रेविटेशन की तरफ जाता है, रूट की तरफ जाता है, तो इनका कैसे डेवलपमेंट होता है, सभी तरह के डिफ्रेंशिएशन कैसे होते हैं टिश्यूज के, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, एनोमलस ग्रोथ क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। इसमें मॉडिफिकेशंस भी आप देखेंगे,
कि मॉडिफिकेशंस कैसे हो रहे हैं, पत्तियां फिलोक्लेट कैसे बन जाती है, फिलोइड कैसे बन जाती है, क्लेडोइड कैसे बन जाती है। जब क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलती हैं तो पत्तियां या तना जो होता है वो अपने फंक्शनिंग को बदलता है, अपने आप को बदलता है, अडॉप्ट करता है उस तरह की क्लाइमेट में रहने के लिए। जैसे आपने देखा है नागफनी कहते हैं कैक्टस, कैक्टस में देखते हैं कि तना जो होता है वो बन जाता है पत्ती, और जो पत्ती होती है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है। ये कन्वर्जन क्यों होता है, क्योंकि जो कैक्टस होते हैं वो ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं, जीरोफिटिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं, तो ये सारा का सारा एडेप्टेशन आप पढ़ेंगे। तो ये भी काफी लेंदी यूनिट है, और सबसे बड़ी बात है इसमें आप मेरिस्टम के बारे में तो पढ़ेंगे, टिश्यू डिफरेंशिएशन, सेकेंडरी ग्रोथ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी ग्रोथ में आप एबनॉर्मल ग्रोथ भी देखेंगे, एनोमली। एबनॉर्मल ग्रोथ कैसे होती है, जैसे टिश्यू का फंक्शन होता है, कैम्बियम सबसे इम्पोर्टेंट है, कैम्बियम का फंक्शन होता है कि वो अपने रिंग होती है पूरी, जब आप किसी स्टेम को या किसी भी प्लांट के किसी टिश्यू को कट करते हो तो उसमें आपको जाइलम फ्लोएम दिखाई देता है, इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम कैम्बियम रिंग होती है। तो कैम्बियम रिंग का फंक्शन क्या होता है कि बाहर की तरफ वो जाइलम कट करती है अंदर, सॉरी बाहर की तरफ फ्लोएम कट करती है, अंदर की तरफ जाइलम कट करती है। जाइलम प्लांट में वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम मिनरल्स को कंडक्ट करता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन लिखा है, यहाँ पे आप डेवलपमेंट में जो देख रहे हो ये आप देखोगे कि मॉर्फोलॉजी क्या है और एनाटॉमी क्या है प्लांट की, ये पढ़ोगे। फिर रिप्रोडक्शन जहाँ देख रहे हैं यहाँ एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे, एम्ब्रियोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ोगे, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होते हैं, जो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। गैमीट का मतलब होता है जैसे ओवा एंड स्पर्म। ओवा कहाँ प्रोड्यूस होता है, ओवरी में। स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होता है, अगर हम प्लांट के कंटेक्स्ट में बात करें तो पॉलन एंड्रोशियम में प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे एंड्रोशियम का डेवलपमेंट और गाइनेशियम का डेवलपमेंट आप देखेंगे। फिर उसके बाद इनका फ्यूजन, फ्यूजन के बाद ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस और ये माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ये सारी चीजें जो आप पढ़ेंगे ये उनका डेवलपमेंट होगा। कि जब फ्यूजन हो गया, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो डिप्लॉयड बॉडी बनी, डिप्लॉयड बॉडी या जायगॉट बना। जायगॉट बना तो जायगॉट का कैसे एम्ब्रियो में या जायगॉट कैसे सीड में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एम्ब्रियो सैक कितने तरीके के होते हैं, बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, वो स्टडी करेंगे। फिर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही पाया जाता है, तो ये स्टडी करेंगे। फिर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या होता है, इसके साथ एम्ब्रियोजेनी में आप पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी आपने ये नया टर्म है, फिनोमेना है, पर आपने पाइनस में पढ़ा था, जब पाइनस पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि पॉली एम्ब्रियोनी होती है, कई सारे एम्ब्रियो बनते हैं, जैसे ट्विंस होते हैं, जैसे ह्यूमंस में देखा जाता है ट्विंस पैदा होते हैं, वैसे यहाँ पे क्या होता है पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये एपोमिक्सिस है, तो ये सारी चीजें आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखते हैं इस बार आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल जो थर्ड सेमेस्टर में आपका सिलेबस है वो ये है। आपने देखा था आपका फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल था तो वो आपके बाद वाले सेमेस्टर में था, पर सेकेंड ईयर में आपका प्रैक्टिकल पहले हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल पहले हो जाएगा तो आपके प्रैक्टिकल तो तीनों पेपर पे बेस्ड है, मतलब आपका फर्स्ट पेपर तो आपको जो बता रहे हैं वो है, इसके बाद सेकेंड पेपर जो आपका है वो जेनेटिक्स का है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, और थर्ड पेपर जो आपका है वो फिजियोलॉजी है। तो जो प्रैक्टिकल आपका है वो तीनों पे बेस्ड है, थ्योरी बाद में पढ़ाएंगे पर प्रैक्टिकल आपको ये सारे पहले करने होंगे। प्रैक्टिकल में आपको देखिए फाइल बनानी है, और इसके अलावा आपको फाइल के अलावा फिजियोलॉजी की फाइल बनानी है जिसमें फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ऑस्मोसिस, ये सारी चीजें करनी है। इसके अलावा आप दो फाइलें तो बनेंगी ही आपकी, और तीसरा आपका हार्वेरियम बनेगा। तो ये सारा वर्क है आपका प्रैक्टिकल के लिए। अब इसमें आप देख रहे हैं क्या क्या चीजें, सबसे पहला जो है ये मॉर्फोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी बेस्ड
क्वेश्चन आएगा आपका, जिसमें टीयर्स ऑफ स्टेम आप देखेंगे, तने का आप कार्ड देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, इसमें एकाइरेंथस, एमरेंथस, बोहोरबिया, बिगनबेलिया, कुकुरबिटा, कस्कुटा, लंटाना, ड्रेसिना, हेलियंथस, टीनोस्पोरा, एंजियामीस, इन सारों के तनों, इन तनों को आपको काट के उनकी स्लाइड बनानी है। स्लाइड भी यहाँ पे आपकी डबल स्टेनिंग होगी। डबल स्टेनिंग का मतलब है पहले आप उसको सैफ्रीन में कलर करोगे, पिंक कलर, उसके बाद आप उसको फास्फीन में कलर करोगे जो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि इसमें दो तरह के टिश्यूज आपको दिखाई देते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम सॉफ्ट टिश्यू है तो वो सैफ्रीन से दिखाई देगा, और फ्लोएम जो है वो डार्क है, मोटा थोड़ा सा होता है, थिक होता है, तो वो ग्रीन कलर से दिखाई देता है। तो इसमें हमारे पास जो मिलेगा लैब में वो हम आपको कराएंगे, जैसे एकाइरेंथस, एमरेंथस, बोहोरबिया, बिगनबेलिया, ये तो बेसिकली हम कराते ही हैं, क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ आपको एनामलस ग्रोथ भी दिखाई देती है, एबनॉर्मल ग्रोथ भी दिखाई देती है। फिर कुकुरबिटा, कुकुरबिटा तो सिंपल होता है। कस्कुटा, कस्कुटा जो है ये पैरासाइट है, ये बहुत ही ज्यादा वेल नोन एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट है। इसकी क्रीपर होता है, बेल होती है, और ये खाना, जबकि इसकी पत्तियां हरी होती हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, फिर भी ये अपना खाना दूसरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट से लेता है। तो कस्कुटा के बारे में आपको फिर बताएंगे, और लांटाना, ड्रेसिना, हेलियंथस, इनको थोड़ा बहुत बताएंगे, टीनोस्पोरा बताएंगे, और जियामेस, जियामेस मक्का होता है इसके बारे में, मोनोकॉट होता है इसके बारे में। फिर आप रूट्स में पाइकस, एरियल रूट, जियामेस, टीनोस्पोरा, इसमें आप देख रहे हैं ये पीपल का, पीपल में भी एरियल रूट, पीपल में दो तरह की रूट पाई जाती है, एक आपने देखा होगा जो टूवर्ड्स ग्रेविटेशन जाती है, वो मेन रूट होती है, और एक होता है कि वो बाहर तने से निकलती हुई कुछ रूट्स होती हैं, वो लटकती हुई दिखाई देती हैं, बरगद में भी और पीपल में भी। तो जो बाहर की तरफ लटकती हुई रूट्स दिखाई देती हैं उन्हें कहते हैं एरियल रूट। ये दो काम करती हैं, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं, एटमॉस्फेयर से मिनरल्स को, गैसेस को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो इनकी जो एनाटॉमी होती है, जैसे आप मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, डिफरेंट है, ये ग्रेविटेशन में अंदर नहीं जाती है सॉइल के अंदर, बल्कि हवा में हैंग करती है, तो इसकी जो एनाटॉमी होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो ये आप पढ़ोगे, फिर पत्तियों में आप फाइकस और जियामेस पढ़ोगे। बेसिकली ये डायकॉट है और ये मोनोकॉट, तो मोनोकॉट और डायकॉट पत्ती के बारे में आप पढ़ोगे। फिर स्टडी क्या करोगे, उनका वेनिएशन कैसा है। वेनिएशन का मतलब होता है कि उसमें जो वेन्स होती हैं उनका क्या पैटर्न है। जैसे मोनोकॉट में जो वेनिएशन होता है वो हमेशा पैरेलल होता है, और डायकॉट में हमेशा रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट का मतलब होता है एक मेन वेन होती है, उसके बाद उसकी डाइवर्जेंस होते हैं, जबकि मोनोकॉट में पैरेलल होती है, सारी की सारी आपको सीधी सीधी वेन्स दिखाई देती है। तो आप ये स्टडी करोगे। इसके बाद आप देखोगे स्पेसिमेन ऑफ मॉडिफिकेशन, ये आपको एनाटॉमी में दिखाया जाएगा, इसका सेक्शन कटिंग नहीं है। स्टडी करोगे थ्योरी में, और उसके अलावा आपको प्रैक्टिकल में एक खाली स्पेसिमेन दिखाए जाएंगे, फिल्लोइड क्या है, फिल्लोक्लेट क्या है, क्लेडोइड क्या है, इसमें नागफनी, बबूल, इस तरह के कैजोराइना, इस तरह के स्पेसिमेन आपको दिखाए जाएंगे। ये ज्यादातर प्रैक्टिकल में स्पेसिमेन के पर्पज से रखे जाएंगे, 3 मार्क्स के होंगे, आपको इस स्पेसिमेन को डिस्क्राइब करना होगा। फिर आप उसके बाद देखते हैं एंजियोस्पर्म में, आप देख रहे हैं एंजियोस्पर्म में, आप देख रहे हैं एंजियोस्पर्म में, आप देख रहे हैं कि आपको फ्लावर दिए जाएंगे। कुछ फ्लावर दिए जाते हैं, 4 फ्लावर भी दिए जा सकते हैं, 5 फ्लावर भी दिए जा सकते हैं। जो एक पहला फ्लावर दिया जाता है उसको फुल डिस्क्राइब करना होता है, A to Z, हैबिटेट से लेकर के आप उसका फ्लोरल डायग्राम भी बनाओगे, फ्लोरल फॉर्मूला भी लिखोगे, और उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दोगे कि रूट कैसी है, स्टेम कैसा है, गाइनेशियम कैसा है, एंड्रोशियम कैसा है, कैलिक्स का कैसा पैटर्न है, करोला का कैसा पैटर्न है, उसका वेनिएशन कैसा है, ये सारी चीजें एक फुल्ली डिस्क्राइब करना होता है एक पूरे के पूरे फ्लावर को। और जो दूसरे फ्लावर दिए जाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन जो होता है वो बेस करता है कंपैरेटिव स्टडी।
मतलब उसमें आपको दो फ्लावर दिए जाते हैं अलग अलग फैमिलीज के, और उन दोनों फैमिलीज के उन दोनों फ्लावर को आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो कि दोनों के गाइनेशियम कैसे हैं, दोनों के एंड्रोशियम कैसे हैं, दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करते हो। कंपैरेटिव में आपको सारी चीजें बतानी होती है, उनकी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये हो गए आपके तीन फ्लावर। फिर चौथा जो फ्लावर रखा जाता है वो आपके स्पेसिमेन में रखा जाता है, तीन नंबर का होता है वो फ्लावर जिसको आप डिस्क्राइब करते हो। सिंपली मान लीजिए गुलाब का रख दिया गया या गुड़हल का रख दिया गया। अब गुड़हल का जो फ्लावर है वो मालवेसी फैमिली का है, गुलाब का जो फ्लावर है वो रोजेसी फैमिली का है, तो उस फैमिली को आपको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना होगा। तो इससे आपके तीन क्वेश्चन। इसके बाद आप आते हैं साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें आप देख ही रहे हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली ये सारी चीजें आपको पढ़नी भी हैं, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होगा कि आपको ये सारी चीजें आपकी लैब में तो करवाई नहीं जा सकती हैं, खाली आपको इनके डायग्राम्स दिखाए जाते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं वो कैसी होंगी, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेलेबरी ग्लैंड में जो पाया जाता है क्रोमोसोम वो कैसा होगा, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स क्या है, ये सारे जाइंट क्रोमोसोम्स हैं, एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के लॉ मेंडल्स ने दिए थे, तीन लॉज हैं वो आपको मालूम है, इन तीनों लॉज के बारे में आप पढ़ोगे, इनके डायग्राम दिए जाएंगे, इनकी डेमोन्स्ट्रेशन शीट दी जाएगी जिसे आपको डिस्क्राइब। फिर जीन इंटरेक्शन, इनहेरिटेंस रेशियो, मेल फीमेल रेशियो कैसे निकालते हैं ये स्टडी करेंगे। साथ में आप पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस दो तरह के डिविजन होते हैं आपको मालूम है। माइटोसिस पूरी बॉडी में पाया जाता है, सिर्फ कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होता है, और पूरी बॉडी में माइटोसिस होता है। इसे अर्धसूत्री कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट हमेशा एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है, जबकि बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है या एंजियोस्पर्म एक प्लांट बॉडी है वो 2x नंबर कंटेन करती है। तो यहाँ पे सिंपल डिवीजन होता है, यहाँ पे हाफ होता है, पार्शियल होता है। तो ये भी आपको, इसकी तो आपको साइड हम दिखाएंगे, हमारे पास लैब में साइड रखी है। फिर क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ जीन इंटरेक्शन है, पॉलीप्लॉइडी है, लिंकेज है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। पर ये सारे प्रैक्टिकल में आपको डायग्राम बनाने हैं, ये स्लाइड्स देखनी है, और ये स्लाइड्स और ये जो आपके पास ये हैं डेमोन्स्ट्रेशन शीट्स, ये आपको बताएगी। 5 मिनट बचे हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, फिर व्हाट्सएप पे आपसे इंटरेक्ट करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट रिलेटेड ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ग्रोथ, इन सारी चीजों पे बेस्ड आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं, हम आपको प्रैक्टिकल्स बताएंगे। इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इनको सारा का सारा आपको फिजियोलॉजी की कॉपी में लिखना है, और इससे दो क्वेश्चंस आते हैं, दोनों लेंथी आते हैं प्रैक्टिकल में। ये तो प्रैक्टिकल की बात, थ्योरी की बात नहीं, तो प्रैक्टिकल में आपको दो लेंथी क्वेश्चंस दिए जाते हैं फिजियोलॉजी में, 6-6, 7-7 नंबर के होते हैं। अब तो अगर 100 मार्क्स का है तो और ज्यादा नंबर्स के होंगे। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल में करनी है। तो ये आपका इस सेमेस्टर का कोर्स है, थर्ड सेमेस्टर का, जो आपको पढ़ना है।